बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है जो पूरे भारत की परीक्षा होती है उसमें गणित में 99% बच्चे इसी में फेल होते हैं। उसी को मैं आधार बनाकर आप लोगों को दिन प्रतिदिन एक से एक नया वीडियो और नए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लाता रहता हूँ। उसी की श्रृंखला में आज का ये मॉडल पेपर गणित का है, बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रश्न की बात करूँ, पहला प्रश्न है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है? तो इसमें खाली भाग की बात करी जा रही कि खाली कितना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टंकी की क्षमता कितनी है, यानी टंकी हमारी कितनी भरी हुई है, और उसके बाद हम पता करेंगे आखिर टंकी हमारी कितनी खाली है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस टंकी की हम धारिता निकालेंगे। धारिता का मतलब इसका आयतन, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। उसके लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 11 लंबाई है, चौड़ाई उसकी 10 है और ऊंचाई 9 मीटर है। तो 11 नवैया 99 हम करेंगे तो यह आ जाएगा 990 घन मीटर, ठीक है, या मीटर क्यूब लिख सकते हो। तो 990, तो ये टोटल पानी इसके अंदर आता है और इसमें 6 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। तो आखिर पानी इसमें कितना भरा हुआ है ये भी मैं पता कर सकता हूँ, या यूँ पता कर लूँ कि ये कितनी खाली है। तो खाली होने के लिए देखिए, 9 मीटर की ऊंचाई तक भरना था जबकि पानी हमने 6 ही तक भरा है, तो कितनी कम भरी है? 3। तो इसका मतलब लंबाई 11 ही रहेगी, चौड़ाई 10 ही रहेगी और ऊंचाई इसकी 3, 11 तिहाई 33, यानी 330 मीटर क्यूब पानी नहीं भरा है, ठीक है। तो इतनी आपकी खाली होगी। तो जो हमारी खाली टंकी का भाग होगा वो क्या होगा? खाली भाग बटे पूरा भाग। तो आपका खाली टंकी का भाग, देखिए, खाली टंकी का भाग 330 खाली है, 990 भरा है, 0 33 कम 33 तिहाई 99, 1/3 भाग खाली है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। करना सिर्फ इतना है, टंकी की पहले हम धारिता निकाल लेंगे, फिर 9 मीटर तक पानी भरा था, 6 ही मीटर पानी अब इस समय भरा है, होना चाहिए, तो 3 मीटर खाली थी। इसमें खाली में कितना पानी आएगा तो ये निकाल करके हमने तुलना करके निकाल लेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है दूसरा, 336 को किससे भाग दिया जाए कि 33.33 प्राप्त हो। बहुत आसान सा सवाल है। तो हम 836 को मान लिया x से भाग करेंगे और ये आ जाएगा 33 सही 4 4, तो हो जाएगा 836/x बराबर 3.44। तिर्यक गुणा आप करोगे तो आ जाएगा 3.334 x बराबर 836। तो x बराबर 836 नीचे लाएंगे ये, तो हो जाएगा 4 4, डेसिमल हटाओगे 20 बढ़ा लेना, और जैसे ही आप इसको भाग करोगे अभी काटोगे तो इसका जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बहुत छोटा सा एक आंसर आप लोगों को प्राप्त होगा जो होगा आपका 25, ठीक है। तो इसे आप काट के जरूर देखिएगा और आपका आंसर यहाँ से 25 मिल जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो 11:30 अपराह्न का समय 3 घंटे बाद कितना होगा? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है। 11:20 यहाँ कुछ करना नहीं, अगर हम एक घंटा और जोड़ दें तो हो जाएगा 12:20, एक घंटा और जोड़ देंगे 13, यानी 1:20, फिर 1 घंटे बाद पूछ रहा तो 2:20, यानी 11:20 के बाद अगर हम 3 घंटे बाद
टाइम देखेंगे वो होगा 2:20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरिए। तो आइए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 1 किलो लीटर में आपका होगा 1000 लीटर। और जैसा कि फार्मूला है, डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, तो हेक्टो में 100 होता है, तो ये आ गया 1000 लीटर। और चूंकि 1 हेक्टोलीटर में आपका होता है 100 लीटर, तो इसको हम 100 से कर देंगे भाग बच्चों, तो ये बन जाएगा हेक्टोलीटर, दो जीरो आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10, यानी 10 हेक्टोलीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक पेट्रोल टैंक का 2/5 भाग 30 मिनट में भर जाता है, तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए, 2/5 भाग भरता है 30 मिनट में, इसलिए पूरा यानी पूरा एक भाग कब भरेगा, 30/2, जो नीचे 5 है बच्चों ऊपर चला जाता है भाग में। अब आप इसे काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75, 75 मिनट में पूरा टैंक आपका भर जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं जिसमें मैंने बताया था अनुपात दिया हो, तो पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x, दोनों का लघुत्तम निकालोगे, x कॉमन मिलेगा, 3 और 4 आएगा, इसका मतलब इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा x × 3 × 4, 4 × 3 = 12x, यानी इसका लघुत्तम समापवर्त 12x है, लेकिन प्रश्न में ये लघुत्तम समापवर्त 84 के बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब हमने निकाला 12x लघुत्तम और ये दिया गया है 84 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 84/12, 12 × 12 12×6 = 72, 84, तो x की वैल्यू 7 आ गई। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4x है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर 4 और x का मान है 7, तो 7 × 4 हो जाएगा 28, इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बच्चों 28 होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रही है। अगला प्रश्न हमारे पास और भी आसान है और इसे बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, 25 + 3/100 + 4/1000, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 25, ठीक है, प्लस अगर मैं 3 को 100 से भाग करूँगा तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो 0, 1 और 3, ये हो गई हमारी भाग। अब हम 4 को भाग करेंगे तो यहाँ 3 0 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 4, 1 और 2, अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए कैसे, 25 यहाँ आगे दशमलव लगा लेंगे एक बड़ा सा थोड़ा, और ये 3 अंकों तक 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव 0 3, दशमलव के नीचे दशमलव 0 0 4, जैसे जोड़ोगे 4 3 0.25, यानी 25.034, 25.034, जो कि ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे बिल्कुल मिल रहा है, आप यहां से इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए, चलो मैं आपको हल करके बताता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, जो आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। m1d1/w1 = m2d2/w2। आप सोच रहे होंगे आखिर क्या लिखा है, एम मीन्स मैन है, आदमी है, औरत कुछ भी है, डे डी मतलब दिन है,
और W मतलब काम है। जैसा कि इसमें दिया गया एक आदमी, तो हम यहाँ पर एक रख देंगे, एक दिन में एक काम करता तो बटे एक कर देंगे। M2 उसने कहा 7 आदमी मिल गए हैं और इन्होंने 7 गुना काम किया है, तो 1 का 7 गुना 7 होगा और कितने दिन में पूरा कर लेंगे, मान लीजिए एक्स दिन में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 = 7 × 7 = 7 × 7 यानी एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 1, यानी एक दिन। तो यहाँ पर देखिए एक दिन कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं जो 7 दिया है मैं इसको एक दिन कर देता हूँ और इसे ऑप्शन ए बना देता हूँ। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न कैसे करने यहाँ से आप कर लीजिएगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें तो दिया गया है कि 7.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो किसी भी वृत्त की बच्चों परिधि यानी ये होती है ये वाली परिधि, ये क्या है, इसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। चूंकि व्यास दिया है तो व्यास जो क्या होता है, व्यास ये होता है, ठीक है, ये त्रिज्या का दूना होता है, तो इसका मतलब त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है। व्यास आपका कितना है 3.5, उसका बटे 2 कर देंगे 3.5। तो चलिए परिधि में निकाल लेता हूँ, चूंकि परिधि का फार्मूला मैं बता चुका हूँ 2 होता है, 2 लिख दिया, पाई 22/7 होता है और आर तुम्हारा दिया गया है 3.5/2, ये 2 और ये 2 कट गए, 7 × 35 5 से काट देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 11, 1 के बाद 10, यानी 11 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, गुणनफल 672 × 36 × 25 किसके बराबर है। तो बच्चों जब मैं इनकी गुणा आप जब करोगे तो ये गुणा जो है आपकी कुछ ऐसी आएगी 60408 00। अब यहाँ पर बात की जा रही है, हम अगर इनकी गुणा करेंगे तो देखिए ये गुणा आपकी आएगी, ठीक है, आप इसे कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर देखिए 2 जीरो हैं और यहाँ पर 6 के गुणक यानी 60 × 60 निकल आएगा यहाँ से, और × 24 भी निकलेगा और × 7 निकलेगा। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 7 दिन हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो 7 दिन में जो मिनट हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या को माप सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 45 ग्राम है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो आप यहाँ पर चूंकि आम जो है यहाँ पर आप किलोग्राम और एक ग्राम लिख लोगे, ठीक है, तो 2 किलोग्राम 600 ग्राम है और ये 1 किलो 450 ग्राम, दोनों का अंतर पूछ रहा, तो आप घटाएंगे, जैसे घटाओगे इधर से ये 5 आ जाएगा और आपका यहाँ से 5 में से 150 और यहाँ से आपने हासिल लिया नहीं 1, यानी 1 किलो 150 ग्राम। तो जो यहाँ पर ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा वही आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे आप लगा लेंगे। ऐसा प्रश्न जो 52 है ये मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ, यहाँ मैं और कराऊँगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यहाँ कोई काम यानी एक काम दिया गया, 42 व्यक्ति उसी कार्य को यानी जो ऊपर वाले व्यक्ति कर रहे हैं कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, इसके लिए भी आपको फार्मूला वही m1d1w1 = m2d2/w2 कर देना है। देखिए पहले 56 व्यक्ति लगाए गए, 24 दिन लगते थे, कोई कार्य मान लेते हैं एक है पूरा, यहाँ पर m1 42 व्यक्ति लगे हैं, दिन पता नहीं है और कितना काम वही का, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 42x = 56×24। अब बच्चों x बराबर निकालोगे तो ये देखिए आपका 42 यहाँ आ जाएगा, जैसे ही आपका यहाँ 42 आएगा, अब आप इसको काटने के लिए देखिए, अगर हम काटना चाहें तो 7 से 7 = 42,
सात अट्ठी छप्पन आ जाएगा, छः एकम छः और छः चौ चौबीस, आठ चक्कू बत्तीस, यानी ये जो कार्य है वो 32 दिन में हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसी तरीके से सारे प्रश्न करेंगे जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ा। 6 की पावर 29 भाग 3 की पावर 29, चूंकि घातांक बराबर तुम लिखेंगे 6 बटे 3, चूंकि दोनों की घात 29 तो मैं 29 लिख सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 की घात बच्चों 29। 2 की घात 29 ऑप्शन सी में मिल रही। थोड़ा सा घातांक के रूल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि इसके पहले हमारे कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें जहां पर आपको ढेर सारी गणित के कॉन्सेप्ट्स के भी वीडियो अलग अलग पड़े हुए हैं। अगला आपके सामने एक और प्रश्न दिया गया है कि निम्न लिखित चार संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आपके सामने ये चार संख्याएं दी गई, इसको आप बहुत आसानी से देखिए, इसमें भी चार है, इसमें भी दो है, इसमें भी तीन, इसमें भी जीरो, ये देखिए चार अंक तक तो बराबर ही हैं। अब आपको छांटना है सबसे बड़ा कौन है, तो अब ये देखिए इसमें सात आया तो ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी जो तीसरे नंबर का है ये देखिए सबसे बड़ा नंबर है, तो तीसरे में देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से होगा। अब इससे बड़ा कौन है? अब आप यहाँ देखें, एक ही देखिए 657 है यहाँ पे, दूसरा 675, तो ये सबसे बड़ा हो गया, यानी ये चौथा है। इसका मतलब तीसरे के बाद चौथा, देखिए तीसरे के बाद चौथा बी में आ रहा है, आगे हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन बी च्वाइस कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं? अब आप देखिए प्रतिशत में, यानी 100 में अगर आपकी 40 लड़कियां हैं तो इसका मतलब 60% लड़के हुए, तो चूंकि 50 विद्यार्थी हैं तो 50 का 60% बच्चों क्या होंगे? लड़के होंगे, तो 50 का 60% कर दोगे, ये देखिए दोनों जीरो काट दोगे, 6 × 5 = 30, इसका मतलब 50 की अगर क्लास है उसमें 20 लड़कियां होंगी और 30 लड़के होंगे, और यहां से 30 ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्या प्रकार है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पर दिया गया समबाहु त्रिभुज, देखिए बच्चों समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चूंकि यहां पर ये सभी भुजाएं बराबर नहीं है तो पहला प्रकार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा है समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो, 8, 17, 15, इनमें भी कोई दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा वाला होने का कोई मतलब नहीं। अधिक कोण अभी यहां पर छोड़ते हैं, आपके लिए आके आ जाते हैं समकोण। समकोण की विशेषता क्या होती है कि कोई भी जो त्रिभुज होता है उसमें जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है बच्चों वो कर्ण होती है, नीचे वाला जो आपका ये आधार होता है और जो खड़ी भुजा होती है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसके लिए एक विशेषता होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस भाषा को आप कैसे समझेंगे? ये कहना चाहता है कि जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका अगर वर्ग किया जाए, शेष जो दोनों भुजाएं बनी वो आधार हो उसका स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता। आधार और लंब कोई भी भुजा हो सकती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा आपकी 17 है। अब देख लेते हैं कि 17 का स्क्वायर ये 8 के स्क्वायर और आपके 15 के अगर स्क्वायर के बराबर है तब तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये नहीं है तो फिर आपका अधिक कोण होगा। तो आइए इसको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, 17 को 17 से गुणा करते हैं तो आता है 289, 8 को 8 बार गुणा करते हैं 8×8 = 64 आता है, 15 को 15 बार मतलब 15 से गुणा करते हैं 15×15 = 225 आता है, इधर आइए जोड़ के देखते हैं तो ये आ जाएगा 289। तो 289 इक्वल टू देखिए 289 आ गया, इसका मतलब ये जो भुजाएं दी गई हैं ये समकोण त्रिभुज को बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज को टिक
कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, इसे बहुत बड़ा ना करूं तो बहुत, इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, सात आपकी संख्याएं दी गई हैं और इन सातों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जो कि क्रमिक की बात दी गई है। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत यहाँ पर क्या बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड में। इसको आप समझने के लिए आपके सामने केवल और केवल थोड़ी सी अगर हम जो है दिमाग लगाएंगे तो हम लोग जरूर इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो अगर मैं ये देखूँ कि इसमें ये संख्याएं अलग अलग अगर आपको दी गई, तो सातों के सात का मतलब पहले अगर एक है तो दूसरी दो होगी, तीसरी तीन होगी, चौथी चार होगी, ठीक इसी प्रकार से हमारी संख्याएं दी गई होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की बात कर लूँ, तो अगर सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों x थी, तो दूसरी x प्लस एक होगी, फिर x प्लस टू होगी, फिर बच्चों x प्लस थ्री होगी, फिर ये x प्लस फोर होगा, फिर ये अगली संख्या हमारी x प्लस फाइव होगी, और लास्ट संख्या सातवीं x प्लस सिक्स होगी। ये हमारी इन संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी, चूंकि औसत 20 है, प्रत्येक संख्या सात है। अब मैं इनको अगर जोड़ूं तो देखिए ये बच्चों आता है 7x। अब एक में दो जोड़े, तीन तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह और छः 21, बराबर ये हो जाएगा 140। तो यहाँ से 7x बराबर 140 माइनस 21 तो आ जाएगा 119। तो x बराबर 119 बटे आपका सात करोगे तो सात इक्कम सात और सात सती 49, यानी सबसे छोटी संख्या अगर 17 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस सिक्स, यानी x प्लस सिक्स सबसे छोटी हमारी 17 निकली, उसमें 6 और जोड़ लेंगे, 17 और 6 मिलकर के आपका होता है 23, तो आप 23 यहाँ से निकाल लेंगे। अगर आप इन्हीं संख्याओं को थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाते तो एक सेकंड में भी इस प्रश्न को आप कर सकते हो। कैसे, देखिए औसत 20 दिया गया है, तो 20 के पहले कौन सी संख्या होगी, पहले आप समझिए 19 होगी, और 19 के पहले क्या होगी, 18 होगी, और 18 से पहले कितनी होगी, 17 होगी। अब आप देखिए, तीन आप इधर छोड़ दीजिए, ऐसे ही 21, अब 22 और ये 23, ये देखिए तीन इधर छोड़ दिया, तो ये देखिए औसत आपका 20 आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 23, सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 17। आप ऐसे भी इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो ये दिया गया, एक डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो चूंकि 10 डेसी ग्राम बराबर बच्चों क्या होता है, एक ग्राम होता है, तो एक के लिए पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 1/10 ग्राम। तो 1/10 ग्राम ऑप्शन सी वाला यहां से मिल रहा है। अगला अगर मैं प्रश्न की बात करूं, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, एक है, फिर एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर, तो आप यहां पर थोड़ा सा वर्ग तो नहीं लगेगा, चलिए एक और एक जोड़ते हैं, दो होता है, दो में एक जोड़ते हैं तीन, तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ तीन पाँच और आठ 13, और 13 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब हमें अगली संख्या मिलेगी 21, जो किसकी, अगली अनुक्रम में संख्या आएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, तीन चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः प्रत्येक एक नहीं, यहाँ पर 60 है बच्चों, 60 मिनट, 75 मिनट, 75 सेकंड, और सॉरी ये एक ही मिनट है, सॉरी एक मिनट, एक मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं, यदि वे पुनः एक साथ, सॉरी 7:50 पर बदली हों तो एक साथ कब बदलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये देखिए बच्चों सेकंड दिया गया, ये सेकंड दिया गया, ये मिनट, तो हम एक मिनट को पहले सेकंड में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये 75 वाला सेकंड है और ये 90। अब मैं इनका लघुत्तम निकालता हूँ, देखता हूँ कि कितने सेकंड के बाद एक साथ ये बजेंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ से, चलिए मैं इसको हल करता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको पहले तो मैं 5 से ही काटना शुरू करूँगा, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, 5 इक्कम
पाँच पचम 25, पाँच एकम 5, पाँच अठे 40। अब आप इसको देखिए, तीन से अगर काटना चाहें तो 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 6 18। अब आप दो से काटेंगे, 2 2 4 और 5 और 2 3 6। बस अब आप यहाँ से गुणा कर लेंगे, देखिए इनको सबको लघुत्तम निकाले, 5 3 15 2 30, 3 2 6 6 5 30, 30 3 90, यानी 1 0 उधर था, तो यानी 900 सेकेंड आएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 900 सेकेंड। इसका मतलब 900 सेकेंड के बाद वो एक साथ पुनः बजेंगी, तो अब 900 पहले हम सेकेंड को मिनट में बदल के देख लेते हैं। तो चूंकि एक मिनट में बच्चों होते हैं कितने, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैं 60 से अगर भाग कर दूं तो ये पता चल जाएगा कितने मिनट के बाद अब ये बजेगा। 0 और 0 6 कम 6 6 5 30, इसका मतलब 15 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी, और ये 7:50 यानी 7:50 पर ये घंटियां अब बज चुकी हैं। अब इसमें हमें 15 मिनट और जोड़ने हैं, तो इसका ये मतलब हुआ घंटा, और इधर कर लेंगे मिनट, 7 घंटे 50 मिनट, और इसमें 15 मिनट और जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 5 6 65 और 7। 7 घंटे 65 मिनट होता नहीं, और 60 मिनट का एक घंटा होता तो ये हो जाएगा 8:00, इधर बचेगा 5 मिनट, यानी 8:05 पर ये पुनः एक साथ घंटियाँ बजेंगी। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। तो बच्चों आपने देखा कि आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे, इसे आपने कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने सीखा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।